हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन, किचन की मॉर्निंग रूटीन की सुबह में मैं कैसे काम सुबह में किचन के काम को मैनेज करती हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। इधर देखिए, सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं पटल का भुजिया गैस पे चढ़ा दी हूँ और इधर आटा लगा लेती हूँ। सब्ज़ी मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ अभी क्योंकि बच्चों को सब्ज़ी, पटल का सब्ज़ी पसंद नहीं आता है और लंच में भी ले जाना है, तो मैं इसलिए भुजिया बना रही हूँ। और उधर आटा गूँथ के रख दिए हैं और इधर देखिए हम भुजिया को चला रहे हैं। आटा ना मैं एक घंटे, आधे घंटे रोटी बनाने के पहले ही गूँथ के रख देती हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ। इससे रोटी सॉफ्ट बनते हैं, उसको ढक के रख देती हूँ। और इधर देखिए भुजिया चढ़ा हुआ है और उधर मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ। 2 कप चाय है, एक मैं और मेरे हस्बैंड के लिए। बच्चे तो खुद से तैयार हो ही जाते हैं, खुद से तो उनको करना नहीं पड़ता है। और इधर देखिए मैं चना का दाल मंगाई थी मार्केट से, तो वे चना का दाल मैं डब्बा में रख देती हूँ क्योंकि किचन साफ़ करने के पहले सारा सामान जो भी है सब अपनी अपनी जगह पर हो जाते हैं, रख देते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहता है। ये ज़्यादा दाल नहीं था, 1 kg दाल था, तो ये डब्बा में आ गया है पूरा, तो इसको मैं रख देती हूँ लगा के। और ये देखिए इधर चाय का दूध उबल चुका है, मैं अब इसमें चाय पत्ती और चीनी डाल दूंगी और इसको अच्छे से 2 से 5 मिनट तक कम फ्लेम करके, गैस का कम फ्लेम करके, क्योंकि कटोरा छोटा है तो इसी के अनुसार मैं गैस का फ्लेम कम कर दूंगी ताकि ये अच्छे से उबल सके। और सुबह का काम ना फ्रेंड्स बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है क्योंकि बच्चों लोग को स्कूल भी जाना होता है, तो वो लोग तो ऐसे खुद से सारा काम कर लेते हैं, पर थोड़ा बहुत हेल्प करना पड़ता है कि जैसे ही मैं लंच देना, तो मैं चाहती हूँ कि उन लोग को स्कूल जाने से पहले आधा घंटा मैं किचन से फ्री हो जाऊँ ताकि उन लोगों को कुछ हेल्प कर सकें अच्छे से। इधर देखिए भुजिया में मैंने मसाले भी डाल दिए हैं, नॉर्मली जो भी हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर डाली हूँ। और उसके बाद मैं नमक डाल दूँगी थोड़ी देर के बाद। और मैं लहसुन का पेस्ट नहीं डालती हूँ इसमें, इसलिए नहीं डालते हैं कि वो अलग अलग नहीं पूरा अजीब हो जाते हैं लहसुन का पेस्ट देने से, इसलिए मैं भुजिया में लहसुन का पेस्ट नहीं देती हूँ। और ये ऐसे भी अच्छे लगते हैं खाने में। और इधर देखिए चाय भी हो गया है, तो मेरे हस्बैंड ना कांच के गिलास में ही सब हमेशा चाय पीते हैं, इसलिए मैं उनको कांच के गिलास में देती हूँ चाय। और ये देखिए मैं कप में पीती हूँ। और ये देखिए इनके गिलास में चाय पत्ती का कुछ एक टुकड़ा आ गया था, मतलब कि कुछ अंश आ गया था, वो मैं चम्मच से निकाल रही थी। आप लोग ये मत समझिएगा कि कुछ चींटी या कुछ और भी पड़ गया था, क्योंकि वो सब पड़ जाता तो मैं खुद से ये चाय नहीं देती। देखिए भुजिया भी बन चुका है, तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ। और ये देखिए अब रोटी बना लेते हैं। आटा तो पहले से ही गूँथ के रख दिए थे, तो रोटी भी मैं नाश्ता इकट्ठे बना लेती हूँ बच्चों के लिए और हम लोग अपने लिए, क्योंकि और भी काम होता है सुबह में, तो मैं इसलिए सब इकट्ठे एक नाश्ता बना लेती हूँ। और खाना मैं लेट से बनाती हूँ, 12:00, 1:00, 2:00 इस बीच में मैं खाना बनाती हूँ। और ये देखिए सारा रोटी मैं बना लूँगी। देखिए आटा को पहले से गूँथ के रख दिए थे, तो देखिए कितना अच्छा रोटी बन रहा है। मैं हमेशा रोटी ऐसे ही बनाती हूँ, पहले आटा बना गूँथ के रख देते हैं 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले। तो इधर देखिए फ्रेंड्स सारा रोटी बन चुका है, मैं इसे पॉट में रख दूंगी ताकि ये 1-2 घंटे अच्छे से गर्म रहे। तो लास्ट वाला रोटी मैं सबसे नीचे रख देती हूँ और सबसे पहले वाला रोटी ऊपर कर देते हैं।
कोई देने वाला रहता है तो मैं रोटी गाय को ही दिलवा देती हूँ या कुत्ता को दिलवा देती हूँ। रोटी कोई रहते हैं देने के लिए तो मेरे हस्बैंड ही को ही मैं बोलती हूँ कि रोटी दे दीजिए, क्योंकि ये मेरा ससुराल है, यहाँ ससुराल है तो मैं यहाँ ज़्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ। निकलती हूँ जैसे मार्केट जाना है, ऐसे मैं नॉर्मली ऐसे बाहर नहीं निकलती हूँ। तो ये देखिए रोटी बन चुका है और मैं उसको उधर कर ली हूँ। अब इधर जितने बर्तन हैं सारे को मैं पहले साफ़ कर लूँगी बर्तन को। पहले सबसे पहले सारे छोटे बर्तन को साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जो भी बड़े बर्तन रहे बाद में साफ़ करके हटा लेते हैं। सबसे पहले मैं रोटी बनाने वाला बेलन और चकला को साफ़ करके हटा लेती हूँ। उसके बाद सारा बर्तन, छोटे छोटे बर्तन जैसे थाली चम्मच कटोरी ये सब हुआ, सबको धो लूँगी। उसके बाद एक दो जो भी बड़े बर्तन रहेंगे लास्ट में मैं धो लेती हूँ। इस तरह से मैं बर्तन को साफ़ कर लेती हूँ। ज़्यादा बर्तन नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं काम करते जाती हूँ किचन में और बर्तन भी साफ़ करते जाती हूँ, और डिब्बा कोई गंदा रहा तो उसको भी साफ़ करते जाती हूँ। मैंने साफ मतलब कि सारा काम मैं साथ में ही करते जाती हूँ, इसलिए ज़्यादा परेशानी हमको किचन में नहीं होता है। एक बार इकट्ठे करके हम काम को नहीं रखते हैं। तो देखिए ज़्यादा बड़े बर्तन भी नहीं थे, थोड़ा बहुत ही थे, मतलब कि एक टब हो गया और एक कढ़ाई, यही सब था, ज़्यादा बड़े बर्तन भी नहीं थे। तो इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए इधर सुबह के सारे काम हो चुके हैं, बर्तन सारे धुल चुके हैं और मैं घर की साफ़ सफाई पूरे अच्छी तरह से करती हूँ। पूरे अच्छे से किचन की सफाई को एक एक करके सारा काम, पोछा लगाना जैसे मैं, और कुछ भी सामान को जगह पे रखना, इस तरह से मैं काम करती हूँ। और ये देखिए बच्चों के लिए लंच निकाल रहे हैं। और आप लोग ये मत सोचिएगा फ्रेंड्स कि मैं इतना ही खाना बना, मतलब कि नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता में कभी कभी बहुत सारा बनाना हो जाता है, जैसे कि दो तरह का सब्जी है, भुंजिया है। आज घर में हरा सब्जी नहीं था और मन भी नहीं कर रहा है, इसलिए हम थोड़ा इसी को बना लिए हैं मन। और फिर मैं बाद में खाना में कुछ अच्छे से सब्जी बना दूँगी। तो आप लोग ये सब ये मत समझिएगा कि इतना सिंपल तरीका से खाना बनाती हूँ, तो जो रहता है घर में वही बना देती हूँ। कभी सिंपल भी हो जाता है कभी, और जो भी सब्जी दो तीन तरह का रहता है वो भी मैं थोड़ा थोड़ा करके बना देती हूँ। तो लास्ट में देखिए मैं पोछा लगा लूँगी किचन में। तो किचन में मैं सुबह का पोछा ये एकदम अच्छी तरह से लगाती हूँ, पूरा ऊपर का जो भी डब्बा है चाहे और भी जो कुछ है उसको भी मैं कपड़े से पोछते जाती हूँ। ऐसे तो मैं खाना बनाते बनाते ही सारे डब्बा और ये सब पोछते जाती हूँ, लेकिन अब देखिए मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ। और इस तरह से मैं एक बार ऐसे ही नॉर्मली कपड़े से पोछा लगा दूँगी, दूसरे बार में मैं फिनाइल डाल के पोछा लगा दूँगी, क्योंकि बरसात का दिन है तो बरसात के दिन में कीड़े मकोड़े ये सब आते ही रहते हैं, तो फिनाइल से पोछा लगाना ज़रूरी होता है। तो आप लोग भी इस फिनाइल से पोछा लगाइएगा। चैनल नया है फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट किया कीजिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।